माध्यमों के अंतर्गत हम गीले माध्यमों की चर्चा करेंगे, वेट मीडियम। हम देखते हैं कि रंग का तरल रंग संवाहक के साथ प्रयुक्त किया जाना आर्द्र माध्यम कहलाता है, अर्थात रंग पदार्थ को जल, तेल आदि सॉल्वेंट के साथ घोलकर प्रयुक्त करना आर्द्र माध्यम के अंतर्गत आता है। आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग आदि माध्यम आते हैं। शुष्क माध्यम के अंतर्गत पेस्टल, पेंसिल आदि का कार्य आता है। माध्यम भले ही शुष्क हो या आर्द्र हो, दोनों में प्रयोग एवं तकनीक की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कलाकार की तूली का निरंतर प्रयोग करते हुए दोनों माध्यम की प्रविधियों का को विकसित कर रही है। वेट मीडियम में हम देखते हैं सबसे पहले टेम्परा कलर। हम यूनान की जो प्रारंभिक जो शव पेटिकाएं हैं उन पर किए गए चित्र टेम्परा के माध्यम में हम देख सकते हैं। 1901 में लेडी हेरिंगम ने द सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ऑफ इन टेम्परा की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जिसका उद्देश्य कला की परंपरागत धारा को आगे बढ़ाते हुए अपने अनुभवों से उसे नया रूप देना था। यह अत्यंत प्राचीन माध्यम है जिसमें अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। 15 सेंचुरी में तेल रंगों की खोज से पूर्व इसका अधिक प्रचलन था, परंतु आज इसका प्रयोग अत्यंत क्षीण हो गया है। टेम्परा के रंग और माध्यम को तैयार करने में समय अधिक लगता है, अतः आज के कलाकार अपनी भावना और संवेग की शीघ्र अभिव्यक्ति हेतु ट्यूब से प्राप्त तैयार रंग प्रयोग में लेते हैं। टेम्परा में कलाकार माध्यम के रूप में अंडे का प्रयोग करते हैं। अंडे के पीले भाग को सूखे पाउडर पदार्थ तथा जल के साथ मिलाकर रंग तैयार किया जाता है। टेम्परा से विभिन्न पोतों का प्रभाव सरलता से दर्शाया जा सकता है और सूक्ष्म चित्रण करने में भी ये समर्थ है। टेम्परा चित्र प्राय लकड़ी के धरातल, भित्ति आदि पर किया जाता है। लकड़ी के पट पर चित्रण करने से पूर्व इस पर साइजिंग की जाती है। सरेस तथा जिलेटिन के पतले घोल से यह कार्य किया जाता है। इसे धरातल की रंग को सोखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और चमक भी बनी रहती है। लिक्विड तथा पाउडर रूप में जो टेम्परा के रंग है उनको हम सहेज कर रख सकते हैं। आज भले ही इसका प्रयोग अधिक नहीं हो रहा है, किंतु यह भी सत्य है कि अपनी विशिष्टता के कारण यह वर्षों से एक उत्कृष्ट कला का माध्यम जाना गया है। इसी प्रकार एक और माध्यम है वाटर कलर, और हम देखते हैं कि पूर्व तथा पश्चिम देशीय चित्रकला में जल रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभ में खनिज तथा वनस्पतिक रंगों को जल माध्यम के साथ चित्रण योग्य बनाया जाता था। आज जल रंग ट्यूब या चौकोर टिकिया में भी उपलब्ध होते हैं, जो कागज पर बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। 13वीं शताब्दी में इंग्लिश कलाकारों में जॉन व्हाइट तथा जर्मन कलाकारों में ड्यूरर ने जल रंगों का कुशलता से प्रयोग भी किया। यहीं से जल रंग चित्रण को एक नया आयाम मिलता है, जो हमारे पूर्व देशीय कला में जल रंग की सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है, जिसमें समय समय पर शैली के साथ साथ प्रविधियों में भी अंतर आता है। इसकी अपूर्व प्रतिष्ठा बंगाल स्कूल में दिखाई देती है, क्योंकि यहीं से अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रयास जो था वॉश पद्धति के प्रयोग के द्वारा भारत में उसका परिचय हुआ था। आज चित्रकार जल रंग चित्रण के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग भी कर रहे हैं। तकनीकी स्तर पर भी इन कलाकारों ने न तरल रंगों को पास पास में लगाकर वेरागेटेड वॉश विधि से चित्रण किया है। विधि पूर्वक दो पृथक रंगों तथा एक ही रंग की विभिन्न तानों को इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। कभी कभी इन्होंने रंग को बहाकर या रंगों को सूखने के पश्चात तूलिका से रूपों को स्पष्ट भी किया है। हम जल रंग को भी दो तकनीकों में या दो श्रेणियों में बांट सकते हैं इस तकनीक को। जैसे प्रथम पारदर्शक, इस श्रेणी में वॉश, ग्लेजिंग, आला प्राइमा, स्पॉन्जिंग, वेराइगेटेड
वॉश आदि प्रविधियां आती है। द्वितीय अपारदर्शक, इसके अंतर्गत स्ट्रिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग आदि प्रविधियां हम देख सकते हैं। वैसे तो जल रंग की प्रवृत्ति पारदर्शिता है, परंतु इसमें चाइनीज व्हाइट मिला दिया जाए तो इसकी पारदर्शिता जो है वह समाप्त करी जा सकती है। जल रंग के चार प्रमुख संगठक हैं। पहला है रंग द्रव्य, जिसको पिगमेंट भी कहते हैं, जो प्राकृतिक, कृत्रिम, खनिज अथवा जैविक हो सकता है। दूसरा है अरेबिक गम, यह पदार्थ कणों के लिए बाइंडर का काम करता है। तीसरा है योगात्मक, जो ग्लिसरीन, शहद आदि संरक्षक तथा चिपचिपाहट हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। चौथा है सॉल्वेंट, यह रंग पदार्थ को कार्य करते समय आवश्यकता के अनुसार पतला कर प्रयुक्त करने में सहायता देता है। अभी इस श्रेणी में तेल रंग हम देखेंगे, जिसको ऑयल कलर भी कहते हैं, जो कि तेल में घोटे हुए रंगों का प्रयोग होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व में यूरोप में इसका प्रयोग बहुत अधिक हुआ था और पूर्वी देशों में तेल माध्यम से उस काल तक चित्रांकन का कोई उल्लेखनीय प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि तेल की वार्निश बनाने का उल्लेख 8वीं सदी से की 6 लूका पांडुलिपि में प्राप्त है, तथापि जो रंग हैं उनके साथ उसके प्रयोग का उल्लेख 12वीं शताब्दी में सबसे पहले थियोफिसल इराक्लियस और पीटर द सेट ओडेमार, इनका नाम उल्लेखनीय है। ये तीनों यूरोप में आल्पस पर्वत के उत्तर के निवासी थे। इटली में भी इनके पूर्व बहुत पहले से तेल चित्रण होता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कहते हैं कि फ्लोरेंस का विख्यात चित्रकार जोतो कभी कभी तेल माध्यम का प्रयोग करता था। इस लेख का कथन है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड में भी काम 14वीं शताब्दी में तेल चित्रण प्रचलित था। 15वीं 16वीं सदी में भी ये देखने को मिलता है और इसका इसमें एक जैन विनायक नामक चित्रकार का भी उल्लेख होता है। नीदरलैंड के 15वीं शताब्दी में जो लेमिश वॉनाइक बंधु है उनका भी नाम इसके अंतर्गत आता है। जो भी हो, तेल रंगों के लिए सॉल्वेंट के रूप में अलसी तथा पोस्त के तेल का प्रयोग किया जाता है। रंग को यदि ज्यादा पतला करना होता है तो उसमें अलसी का तेल और उसके साथ में तारपिन का तेल प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार उसमें तेल रंगों का प्रयोग जो होता है उसमें तांबा, जस्ता, गत्ता, कागज, कांच, टाइल, दीवार सब पर साइजिंग, प्राइमिंग करके तेल के माध्यम से चित्रण बनाया जा सकता है। इसके लिए विशिष्ट होग हेयर ब्रश ही काम में लिए जाते हैं और इजल पे ये काम अधिकतर किया जाता है। कैनवस के पीछे की ओर मोम की वार्निश कर देने से भी ये अधिक टिकता है और रंग भी सुरक्षित रहते हैं। कुछ कलाकार तेल में मोम मिलाकर भी नई प्रवृत्ति में कार्य करते हैं, जिसे एनकोस्टिक भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे नवीन माध्यम है जो आज प्रचलन में भी है, वह है एक्रिलिक कलर। इसमें हम देखते हैं कि जो भी कलाकार है तेल रंग, जल रंग, टेम्परा आदि से चित्रण करते थे, परंतु 20वीं शताब्दी में विभिन्न माध्यमों की खोज हुई थी। 1955 ईस्वी के लगभग भारत में नवीन माध्यम प्रचार में आया था, वो है एक्रेलिक, जिसमें विविध विषयों को चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में संडे पेंटर्स ने इस माध्यम की खोज की। इसका प्रारंभिक प्रयोग ओरोजको तथा रिवेरा ने भित्ति चित्रण के लिए किया था, परंतु आज कलाकार इससे प्रत्येक विषय चित्रित कर रहे हैं, क्योंकि समय तथा वातावरण के प्रभाव के साथ यह मलिन नहीं होता है। एक्रिलिक और तेल रंगों का बाह्य प्रभाव समान है, परंतु दोनों की तकनीकों में बहुत अंतर है। तेल रंगों की तुलना में एक्रिलिक जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इसका माध्यम जल है।
और आजकल कलाकार इसको बहुत आसानी से प्रयोग में लेकर आते हैं, क्योंकि ये ट्यूब में मिलता है और इसको एक तरह से रेडी टू यूज माध्यम एक्रेलिक कलर है। एक्रेलिक रंगों में जल रंग और तेल रंग दोनों की ही विशिष्टताएं हैं। एक्रेलिक रंगों को कागज, टाइल्स, कांच, कैनवास, हार्डबोर्ड, प्लाईबोर्ड, माउंट बोर्ड, कपड़ा आदि किसी भी सतह पर प्रयोग किया जाता है। और जो एक तकनीक प्रचलन में आई थी जिसको कहते हैं हम ग्रेताज, ये तकनीक जो साल्वादोर डाली के समय में अति यथार्थवादी कलाकारों द्वारा आरंभ की गई थी, उसके लिए ये बहुत उपयुक्त माध्यम माना जाता है।